हेलो दादी नमस्कार पहाड़ों की इन हसीन वादियों से मैं पंकज डुंगराल स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का पहाड़ी मंच ब्रेकिंग एम में। और साथियों काफ़ी समय बाद हम लोगों का मिलना हो रहा है और काफ़ी समय बाद मैं वीडियो बना रहा हूं क्योंकि साथियों आप लोगों को पता है आजकल क्या है चुनावी माहौल है, हर जगह चुनाव ही चल रहा है। तो आजकल मैं भी लगा हूं प्रचार प्रसार में, तो उस चक्कर में वीडियो नहीं बना पा रहा हूं और आप लोगों को भी दिखा नहीं पा रहा हूं। आज इसलिए आया हूं वीडियो बनाने के उद्देश्य से क्योंकि आज साथियों बसंत पंचमी, और बसंत पंचमी एक बहुत ही पावन त्यौहार हमारा है और माँ सरस्वती जी की आराधना के लिए जो माँ सरस्वती की प्रार्थना है उसको यहाँ पर रखूँगा और फिर आज का ब्लॉग हम शुरू करेंगे साथ। या कुंदेन्दु तुजार हार धवला या शुभ्र वस्त्राविता या वीणा वर दंड मंडित करा या श्वेत पद्माशना या ब्रह्माच्युत शंकरा प्रवृत्ति वी देवे सदा वंदिता सामा पादु सरस्वती भगवती नियशेषा द्याम पहा। माँ सरस्वती की ये सुंदर सी प्रार्थना जिसमें माँ सरस्वती का जो स्वरूप है उसको उजागर किया गया है और हम माँ सरस्वती से प्रार्थना करते हैं वो अज्ञानता को दूर करती है और हमें ज्ञान की वृद्धि हमारे शरीर में करती है, हमारे दिमाग को तीव्र करती है। तो ऐसी माँ सरस्वती, तो आज बसंत पंचमी का ये पावन त्यौहार जिसको बड़े ही धूमधाम से हमारे पहाड़ों में मनाया जाता है। अभी मैं हूँ छत में और यहाँ से मैं आप लोगों को एक बार व्यू दिखा देता हूँ। शानदार महक चुका है ये महीना और शानदार हरियाली यहाँ आ चुकी है, तो देख सकते हैं साथियों आप लोग यहाँ से पूरी हरियाली चारों तरफ फैल चुकी है और ये कॉलोनी हमारी। और साथियों देखिए सब जगह यहाँ झंडे आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे क्योंकि चुनावी माहौल ये चल रहा है। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं और बुलाब, और देखिए हरियाली यहाँ से शानदार, और देखिए वहाँ मम्मी है गार्डन में और मम्मी की गाड़ी मम्मी निकाल रही है जौ। भाई जौ को घरों में लगाया जाता है और शानदार इसी से ही पंचमी का त्यौहार मनाया जाता है। तो कैसे, तो अभी मैं आप लोगों को नीचे ले जाता हूँ। तो देखिए यहाँ पे पूजी लो, पूजी कर जा, देखो निकाल। तो देखिए सुबह सुबह ये जौ निकाल रहे हैं और जौ को हम लोग यहाँ पर घरों में लगाने वाले, तो मम्मी और पूजी लगे हैं तो खेती में यहाँ पर जौ निकालने पे आज भी तो पसंद। पापा जी भी लगे किसी काम में। पाजी आप क्या करते भाई? प्याज की पंडरी है, प्याज के पौधे हैं भाई, प्याज। तो प्याज की तैयारी पाजी कर रहे हैं यहाँ पे प्याज लगाने की। और मम्मी लागे, देखिए मम्मी हेलो गुड मॉर्निंग कर दो सबको। गुड मॉर्निंग। ये क्या है मम्मी? आज बसंती पंचमी, तो इसका क्या करेंगे हम? ये लगाएंगे हम अपने अपने ऊपर मोर पे दरवाजों पे ऊपर संगाड़ पे। तो उससे क्या होगा? वो खोली का गणेश पे तो लगाओ फिर। खोली का गणेश, मोरी का नारायण। देखिए मम्मी को याद है सब। तो मम्मी तैयारी करती है इनको घरों में लगाने की। तो शानदार गाने देखिए, आगी बसंती पंचमी दीदी भूलो को त्योहार आगी दीदी भूली मैं तू जाली माँ को बनायो मीठो भात खाली। तो आपने बनाया मीठा भात? बना लिया, दिखाओ। तो देखिए भाई बना लिया। गाने के साथ मम्मी ने सबको तैयार कर दिया सुबह ही, तो नहा धुल के हम लोग तैयार हो गए थे सुबह। और देखिए क्या मम्मी मीठा भात किसमें है? पापा जी ने खा लिया। ये देखो शानदार मीठा भात तैयार कर दिया मम्मी ने। मम्मी किस किस चीज से बनाया है ये? इसमें डाल लिया मैंने काजू बादाम किशमिश नारियल। क्यों गुड़ आज बने? गुड़ का है ये, गुड़ का त्योहार आज ये। चलो गुड़ का त्योहार है। तो सबसे पहले भार गणेश बनाया मम्मी ने, तो उसकी पूजा कर लेते हैं। मम्मी पहुँच नहीं पा रही, मम्मी तो पहुँच नहीं पा रही साथियों। तो मैं ही सबसे पहले यहाँ पे पिठाई वगैरह लगा लेते हैं घर पे, ठीक है? गणेश पे तो मोरी का गणेश। आपकी लगा, ये लगाना, ये क्या है? जो तो इसको क्या करना है? इसको लगाना है मोर पे, संगार पे। बसंती ऋतु बड़ी आएगी, बड़ी आएगी।
दरवाजों की पूजा करने के बाद मम्मी मेरे पे लगा रही मिठाई। लंबी उम्र हो, सदा त्योहार मनाते रहो, फूलों की बरसात हो। जय हो, मेरी मम्मी ऐसी रहे गुदाड़ी मुदाड़ी करके। तो यहाँ पर देखिए प्याज सांदा लगाया गया, और आजकल एक तो घर का काम भी चल रहा था इसलिए वीडियो आप लोगों को नहीं बता पा रहा था, लगातार काम लगाया यहाँ पे आजकल। तो प्याज देखिए आप लोग, धनिया भी हो रहा है शानदार। आज बसंती पंचमी, बहुत सारी ढेर शुभकामना सबको। मीठा भात बनाए, खूब सपोड़े, काजू बादाम छोरे मुना के। सरस्वती माँ की शुभकामना सबको, चिरंजीवी आशीर्वाद। सरस्वती मैया की जय। हमारे त्यौहार है, इनको विलुप्त ना होने दो, इनको मनाते रहिए। और पुनः आप सभी लोगों को बसंत पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। माँ सरस्वती से प्रार्थना करूँगा कि आप सभी लोगों के जीवन में सुख समृद्धि आए। और अब हम लोग जो मम्मी ने मीठा भात बनाया उसको खा लेते हैं, उसके बाद फिर निकलते हैं प्रचार प्रसार में। और एक बार फिर कहूँगा कि वोट का प्रयोग आप लोग जरूर करें, 14 फरवरी को उत्तराखंड में मतदान है, तो मतदान करें और अपनी पसंदीदा सरकार चुनें जो आप लोगों की सुने। तो फिर साथियों, जैसे ही चुनाव ख़त्म हो जाएंगे उसके बाद तुरंत मैं आप लोगों को लगातार ब्लॉग दिखाना शुरू कर दूँगा। चुनावी ब्लॉग मैं आप लोगों को जानबूझ के नहीं दिखा रहा हूँ, यूट्यूब से मैं इसको दूर रख रहा हूँ फिलहाल। फेसबुक में आप लोग जुड़ सकते हैं, फेसबुक में आप लोग उसको देख सकते हैं। फेसबुक में मैं लगातार उन चीज़ों को डाल रहा हूँ। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट शानदार ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय पहाड़, जय उत्तराखंड।